बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर आज हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। सर, ट्रांसलेशन जो कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लास्ट कह लेंगे स्टेप है, यानी तीन मेजर स्टेप में से जो तीसरा स्टेप है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सही। सो ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, जिसे आप प्रोटीन भी कहते हो, पॉली पेप्टाइड चेन फ्रॉम पॉली न्यूक्लियोटाइड, जो कि आरएनए की शक्ल में होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड से आपने पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी, यानी पॉलीपेप्टाइड रिप्रेजेंट कर रही होती है प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। और पॉली न्यूक्लियोटाइड बेसिकली यहाँ पे एमआरएनए से मुराद है, ठीक है, कि मैसेंजर आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए से बनता है। ये हम सारा प्रोसेस पीछे पढ़ चुके हैं कि मतलब डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है रेप्लिकेशन के जरिए, और उसमें से मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। और अब आज हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिस यानी वो मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन में किस तरह कन्वर्ट होता है। सही। सो हमेशा की तरह मतलब इस प्रोसेस में भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, ठीक है, यानी इस प्रोसेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एज सच कोई एंजाइम नहीं है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि लाइक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पॉलीमरेज होता है डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज होता है, यहाँ पे एज सच एंजाइम नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स जो कि आप जानते होंगे मतलब दे आर स्पेशलाइज्ड, यानी इनकी स्पेशलिटी है प्रोटीन सेंसेस, ठीक है, प्रोटीन सेंसेस करते हैं। राइबोसोम्स के अलावा जो हमें चीज़ चाहिए होंगी वो एसेसरी एंजाइम्स होंगे, ठीक है, और उन्हें आप फैक्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है, लाइक दे आर फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिवेटिंग एंजाइम है, ठीक है, एक्टिवेटिंग एंजाइम, ठीक है, इसका फंक्शन हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके अलावा एक्टिवेटिंग के बाद इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होता है, इनिशिएशन जो कि स्टार्ट करवाएगा, इनिशिएशन फैक्टर के बाद इसमें एक इलोंगेशन फैक्टर होता है जो कि इलोंगेट करेगा जो कि मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनकी इलोंगेशन करेगा। इलोंगेशन के बाद लास्ट में जो टर्मिनेशन फैक्टर है, या फिर उसे आप रिलीज फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, फोर्थ वन हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ रिलीज फैक्टर। सो मतलब इस प्रोसेस के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स यूजली प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम्स की शक्ल में, ठीक। अच्छा, एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या होता है? एक्टिवेटिंग फैक्टर बेसिकली कह लें कि आपको टीआरएनए का कॉन्सेप्ट होगा, ट्रांसफर आरएनए जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन सेंसेस में हेल्प करेगा, वो किस तरह करेगा ये भी हम आगे देखेंगे। अलबत्त जो ट्रांसफर आरएनए होता है ना, लाइक जे शेप फॉर एग्जांपल उसकी शेप होती है जे शेप, तो ये ट्रांसफर आरएनए इट इज़ टीआरएनए, ठीक है, ये जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है बेसिकली वो इसके साथ अमाइनो एसिड ऐड करता है, अमाइनो एसिड, सही, एक्टिवेटिंग एंजाइम क्या करेगा, टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड की एडिशन करवाएगा, ठीक है, इट यानी एक्टिवेटिंग एंजाइम्स ऐड अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स ऑन कह लें कि ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर आरएनए का कोड होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है फॉर एग्जांपल यहाँ पे AUG है, ठीक है, या फिर बल्कि AUG नहीं बल्कि UAC, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो अमाइनो एसिड लगेगा वो मिथियोनिन लगेगा, UAC है हमारे पास, सो जो हमारे पास आगे अमाइनो एसिड लगेगा वो कौन सा लगेगा, मिथियोनिन, सही। सो मतलब जो एक्टिवेटिंग एंजाइम्स है ये करता है कि ट्रांसफर आरएनए का जो कह लेंगे कोड है, कोड के मुताबिक, ठीक है, हर एक के अंदर एक अपना स्पेशल कोडान होगा, सही, ये कोडान्स आगे यूज़ होंगे बेसिकली ट्रांसलेशन के अंदर, सो कोडान के अगेंस्ट ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड ऐड करेगा, सही। सो ये एक्टिवेटिंग एंजाइम का काम है कि ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच करता है उसके कोड के मुताबिक, ठीक। दूसरा इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, ये इनिशिएट करवाएगा, ठीक है, यानी ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट करवाएगा। एलोंगेशन फैक्टर एलोंगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, और रिलीज फैक्टर जो है वो आखिर में इसको रोकने के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब कह लें कि ट्रांसलेशन का एंडिंग,
इनिशिएशन का क्या करवाएगा, स्टार्ट, ठीक है। एलोंगेशन फैक्टर क्या करेगा, प्रोपेगेट करवाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो रिलीज फैक्टर है ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, सही। अच्छा, आगे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत आरएनए का कंसेप्ट हो, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं वैसे। सो आरएनए में मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, जो कि कहाँ से बनता है भला मैसेंजर आरएनए, डीएनए से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए की इन्फॉर्मेशन ये कोड करके लाता है, ठीक है। और फिर राइबोसोम्स के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, सही। और राइबोसोमल आरएनए बेसिकली मैसेंजर आरएनए को कह लें कि मतलब बाइंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड होता है, ठीक। और ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए बेसिकली अमीनो एसिड, ये देखें अगर आप अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ है, सो अमीनो एसिड्स जो इसके साथ जुड़े होते हैं और इसके साथ ये मतलब इसका स्पेशल कोड होता है जो कि आके मैसेंजर आरएनए के साथ जाके बाइंड होगा, ठीक है, जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ जाके बाइंड होगा और फिर उस तरह अमीनो एसिड की चेन बनेगी, ठीक। सो ऐसा करते हैं, पहले हम एक दफ़ा डायग्राम देख लेते हैं, आपको सही आइडिया हो जाएगा। सो हेयर इज अ डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसका न्यूक्लियर पोर्स हैं स्पेशल किस्म के, और फिर मैसेंजर आरएनए इसके अंदर से ये बन के आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें गौर से तो ये जो मुख्तलिफ कलरफुल आपको ये कह लें कि रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। इसके नीचे कोड भी लिखा हुआ है, AUG UG 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 UG, करते करते और आखिर में पोली यू की टेल है, ठीक, पोली यू की टेल, और शुरू में AUG जो है ना, इट इज़ नोन एज स्टार्टिंग कोडान, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं AUG जो है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग कोडान। कोडान हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हमने जेनेटिक कोड के अंदर सारे को पढ़ा था, मतलब कोडान्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, मतलब एडिनोसिन, यूरासिल और गवानिन। और ये स्टार्टिंग कोडान होता है, और स्टार्टिंग कोडान AUG के अगेंस्ट कौन सी प्रोटीन लगती है, मिथियोनिन, सही है। वो मिथियोनिन किस तरह लगेगी, बेसिकली इसके जो अपोजिट आके ट्रांसफर आरएनए बाइंड करेगा, ठीक है। जो अब देखें ना अगर आप, सो ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम ने क्या किया, मैसेंजर आरएनए को पकड़ा, मतलब स्मॉलर सब यूनिट ने क्या किया, मैसेंजर आरएनए को पकड़ा। सबसे पहले यहाँ पे ये इनिशिएशन हो रही है, मतलब यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर काम करेगा, इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे यूज़ होगा, सही। और बकाया सारे स्टेजेस के अंदर एलोंगेशन फैक्टर होगा जो कि इसे एलोंगेट करेगा, ठीक है। बेसिकली एलोंगेशन फैक्टर क्या कर रहा होता है कि राइबोसोम्स को ना ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है। ऐसे हम कहेंगे अगर ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है, ये जो ग्रीन सिग्नल है इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स जो से वो ट्रांसलोकेट होते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो अगले कोड्स पे जाते जाते हैं, ठीक है। सो जो ट्रांसफर आरएनए है वो आके बाइंड होगा, ठीक है, फिर इसकी साइट्स बन जाती हैं, सही। इसके अगर हम साइट्स करें, एक ये साइट है, एक ये साइट है, एक ये लास्ट वाली साइट है, सही। पहली वाली साइट को आप कहते हो ए साइट, ठीक है, यानी अटैचमेंट साइट कह सकते हैं, सही। और दूसरी साइड जो सी पी साइड, प्रोपिगेशन साइड, मतलब यहाँ से अमीनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, या पी साइड से मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक। और लास्ट में जो सा है वो ई साइट, एग्जिट साइट, सही, ए पी और ई साइट, ठीक है। मतलब अगर हम अमीनो एसिड देखें ना किस तरह जो सा वो ट्रांसफर आरएनए आ रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, फिर अमीनो एसिड जो सा वो लिंक अप हो रहे हैं, ठीक है, अमीनो एसिड आपस में लिंक अप हो रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन हमारे पास आ रही है, सही। सो इसी राइबोसोम्स को अगर मैं इस तरह बनाऊं, सो राइबोसोम्स में दो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट, ठीक। जो लार्जर सब यूनिट है इसके अंदर तीन साइट्स हैं, सॉरी, लार्जर सब यूनिट के अंदर तीन साइट्स हैं, एक है अटैचमेंट साइट ए साइट, दूसरी है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, और लास्ट में ई साइट, एग्जिट साइट है, ठीक। सो जो मैसेंजर आरएनए होता है बेसिकली वो इधर आता है, जिसके अपोजिट कोड्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ए टी तो नहीं होगा, यू होगा, ए जी सी जी सी 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 ए यू जी सी, इस तरह कोड होते हैं, सही। और ट्रांसफर आरएनए जो उनसे ना वो टूट के आते हैं और बाहर से, और वो आके पहले ए साइड पे बाइंड होंगे जो कि यानी अटैचमेंट साइट है, फिर जो मतलब राइबोसोम है वो आगे ट्रांसलोकेट करेगा, मतलब इस साइड पे मूव करेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए साइड पे आता जाएगा। और अगेन ये जो सा ये 5' to 3' काम कर रहे होते हैं, ठीक। सो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और राइबोसोम्स, तीनों का जो फंक्शन है वो 5' to 3' डायरेक्शन में है।
ठीक। अच्छा, जो ट्रांसफर आरएनए वो यहाँ पे आते जाएंगे, फिर मतलब पहले ए साइट पे होगा, ए साइट से वो जो ही कह लेंगे राइबोसोम आगे प्रोपेगेट होगा, तो ट्रांसफर आरएनए पीछे हो जाएगा, मतलब पी साइट पे चला जाएगा। वहाँ पे फिर नेक्स्ट मतलब इस तरह एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ जाएगा, एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ऐसा जो जो ये आगे जाएगा ट्रांसफर आरएनए जो उनसे पोजीशन अपनी चेंज करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, सही। और यहाँ से फिर वो एग्जिट हो जाएगा, फ्लाई फ्लाई कर जाएगा, फ्लाई आउट, ठीक। सो इस तरह मतलब कह लें कि ट्रांसलेशन एक्चुअली हो रही होती है। तो इसी में अगर हम देखें, थोड़ा मुझे स्टडी करें, सो ये ए साइट, ये पी साइट, और ये लास्ट में ई साइट। सो ए साइट पे आके बाइंड किया ट्रांसफर आरएनए ने, पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बना, और ई साइट से वो एग्जिट हो गया, ठीक है। ये आपको एग्जिट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए एग्जिट हो रहा है, यहाँ से आके वो बाइंड हो रहा है, और अब पी साइट के ऊपर बॉन्डिंग बनती जाती है, नहीं मतलब ये नए अमीनो एसिड्स के दरमियान मतलब केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है ना वो बॉन्ड बन जाता है, सही है। सो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, अभी हमारी रिक्वायरमेंट वैसे पूरी नहीं हुई। सो एक्टिवेशन एंजाइम चाहिए होता है, फिर इनिशिएशन फैक्टर जो कि इनिशिएट करेगा, एलोंगेशन फैक्टर जो कि प्रोपेगेट करवाएगा प्रोसेस को सारे को, रिलीज फैक्टर जो कि टर्मिनेट करेगा, सही। इसके अलावा हमें ट्रांसफर आरएनए चाहिए, टीआरएनए। टीआरएनए क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये मतलब अमाइनो एसिड यानी इट कह लें कि ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, ठीक है। और मतलब कह लें कि इट रीड कोड फ्रॉम एमआरएनए एंड और क्या करेगा, मतलब ऐड, ठीक है, ऐड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को ये ऐड करेगा टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा जिसका मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी उसके अंदर अमाइनो एसिड्स को ये ऐड करता जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। सो रीड कोड या कोडॉन्स फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए से वो कोड को रीड करेगा, और उसके बाद जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स को ये बाइंड करता जाएगा, सही। तो वो ट्रांसफर आरएनए का बेसिकली काम होता है, ठीक। जैसे हमने नीचे एग्जांपल्स पढ़ी हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट इज़ एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए जिसके पास कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी जो पूरी प्रोटीन बननी है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, मैसेंजर आरएनए। सो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें राइबोसोम्स चाहिए जो कि प्रोटीन बनाएंगे, जाहिर बात है दे आर प्रोटीन फैक्ट्री, सही। फिर फैक्टर्स जिसमें एक्टिवेटिंग एंजाइम्स है जो बेसिकली ट्रांसफर आरएनए के साथ उनका जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है वो मतलब जोड़ रहे होते हैं, इसे हम एक्टिवेटिंग एंजाइम्स कहते हैं, सही है। और इसका नाम भी है एक्टिवेटिंग एंजाइम का, इसे कहते हैं अमाइनो असाइल, इसका नाम क्या है, अमाइनो असाइल टी आर एन ए सेंथेज, टी आर एन ए सेंथिटेज, बल्कि सेंथी टेज। सो अमाइनो असाइल टी आर एन ए सेंथिटेज, ठीक है। और ये मतलब जो 21 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं या 20 कॉमन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उनको टी आर एन ए के साथ जोड़ता है, ठीक है, जो कि एक्टिवेटिंग एंजाइम है। फिर इसी तरह इनिशिएशन फैक्टर्स है जो कि बेसिकली स्टार्ट करवाएगा, और स्टार्टिंग कोडान हमारे पास कौन सा है भला, ए यू जी, ठीक है, आपने जहन में रखना है ए यू जी इज स्टार्टिंग कोडान, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग कोडान है। मतलब यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बीच में कुछ स्टॉप कोडान्स होते हैं जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें एग्जांपल्स में हमारे पास है यू ए ए है, यू ए ए, ठीक है, इसके अलावा यू ए जी है, यू ए जी के अलावा यू जी ए और यू जी जी, ठीक है। ये जो चार कोडान्स हैं ये स्टॉप कोडान्स हैं, दीज आर स्टॉप कोडान जो कि बेसिकली टर्मिनेट करवाएंगे, सॉरी, जो इसके मतलब रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करवाएंगे, ठीक है। बकाया जो जितने भी कोडान्स हैं वो एलोंगेशन के अंदर यूज़ हो रहे होंगे, सही है। अगर हम स्टेप्स देखें लास्ट में, चले हम ये हो गया सर रिक्वायरमेंट्स जो कि रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट्स, राइबोसोम्स, फैक्टर्स, फैक्टर्स की टाइप्स हो गई, फिर टी आर एन ए जो कि अमीनो एसिड्स को लेके आएगा,
और फिर mRNA जिसके अंदर बेसिकली कोड पड़ा होगा। ठीक है, अब हम स्टेप्स देखते हैं कि मतलब स्टेप्स क्या फॉलो करता है रेप्लिकेशन के दौरान, सॉरी ट्रांसलेशन के दौरान, जो हमारा कह लें कि इसमें राइबोसोम यूज़ हो रहा है, तो वो कौन कौन से स्टेप से गुजरता है। इसी डायग्राम के साथ हम सबसे पहले मतलब स्टेप्स फॉर प्रोटीन सेंसेस, प्रोटीन सेंसेस को आप ट्रांसलेशन भी कहते हैं, मतलब क्या मतलब प्रोटीन सेंसेस होती ही ट्रांसलेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होगा कि हाँ मैसेंजर आरएनए जो सा है ये अटैच होकर राइबोसोम से, ठीक है, अटैच्ड विद आरआरएनए, ठीक है, कि राइबोसोमल आरएनए के साथ वो अटैच होता है इन राइबोसोम्स, ठीक है, कि वो सॉरी राइबोसोम्स के अंदर आरआरएनए के साथ जाके एमआरएनए अटैच होगा, यानी आर सबसे पहले जो मैसेंजर आरएनए को डिटेक्ट करेगा वो राइबोसोमल आरएनए होगा। ठीक है, अटैचमेंट के बाद उसमें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो इनिशिएटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, इसमें टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए होता है जिसके साथ मिथियोनिन होता है। ठीक है, मतलब ये मिथियोनिन भी आम टाइप की नहीं होती, बट स्पेशली मॉडिफाइड मिथियोनिन जिसे हम कहते हैं एन फॉर्माइल मिथियोनिन, एन फॉर्माइल मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन जो कि माइनस सीटामिन एन फॉर्माइल उसकी जो कह लें कि मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ये चेन का स्टार्ट है, मतलब इससे पहले कोई अमीनो एसिड नहीं है, सो इसलिए उसके एंड पे ना एन फॉर्माइल का ग्रुप लगा होता है, सही। टी आर एन ए विद एन फॉर्माइल मिथियोनिन प्लस उसमें क्या होगा इनिशिएशन फैक्टर होगा, इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है, ये बाइंड करेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड, बल्कि ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में ही बाइंडिंग हो रही है, फैक्टर सो बाइंड एट, ठीक है, तो ये दोनों मिलके टी आर एन ए और इनिशिएशन फैक्टर दोनों से बाइंड एट पी साइट ऑफ राइबोसोम, सही। मतलब ये अगर राइबोसोम है फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेप के अंदर तो मैसेंजर आरएनए जो है वो आके बाइंड होगा, सही, डेट इज़ द मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर इस तरह कोड पड़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे स्टार्ट में होगा कि फॉर एग्जांपल एक ये इसकी साइट से, मतलब ये ए साइट है, इसे हम अमाइनो एसाइल साइट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड आते हैं, मतलब आके बाइंड होते हैं, और ये पेप्टिसाइल पेप्टिडाइल साइट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बनता है, पेप्टिडाइल साइट, ठीक है, और लास्ट में ये एग्जिट साइट है, ठीक है, ई। ये ए साइट है बेसिकली, और ये पी साइट है, और ये ई साइट है। खैर अमाइनो एसाइल साइट पे आकर सॉरी जो पहला इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो पी साइट पे बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे टी आर एन ए लाइक ये टी आर एन ए आएगा और उसके ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल होगा मिथियोनिन का, ठीक है, MET लिख देता हूँ मैं, और ये टी आर एन ए के साथ एक और फैक्टर मौजूद होगा जो कि क्या कहलाएगा एक्टिवेशन फैक्टर, ठीक है, या इनिशिएशन फैक्टर बल्कि क्या है इनिशिएशन फैक्टर अटैच होगा, ठीक है, इस टी आर एन ए के साथ, और उसके साथ मिथियोनिन होगा जो कि कौन सी मिथियोनिन होगी एन फॉर्माइल मिथियोनिन। ये खैर सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद जो राइबोसोम्स हैं वो फिर टी आर एन ए को ए साइट पे बाइंड करवाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कोड होगा फॉर एग्जांपल जो भी एक कोड बनता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सी यू जी कोड है, इसके अगेंस्ट जो टी आर एन ए आएगा उसके पास जो कोड होगा वो होगा जी ए सी, ठीक
ठीक है, जी ए सी, और जी ए सी के साथ जो इसमें अमाइनो एसिड अटैच होगा, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ल्यूसीन है, एल ई यू, ठीक है। सो मिथियोनिन और ल्यूसीन के आपस में पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, पेप्टाइड लिंकेज बनेगी। सो उसके बाद फिर क्या होगा, यानी पहले तो इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना पी साइड पे, फिर ए साइड के पर जाकर ये दूसरा मतलब कोडान के अपोजिट वाला जो मतलब रिस्पेक्टिव ट्रांसफर आरएनए वो आके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद फिर इनके आपस में अमाइनो एसिड की लिंकेज बनेगी, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद इनिशिएशन कम्प्लेक्स के बाद क्या हुआ, सॉरी थर्ड स्टेप हो गई, यानी कह लें कि एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड किस तरह अमाइनो एसिड होगा, बाय द बाइंडिंग ऑफ अनदर टीआरएनए, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ एन अदर टी आर एन ए एट कौन सी साइट, ए साइट, ठीक है। तो ए साइट पे आकर दूसरा टी आर एन ए बाइंड होगा उसके कोडान के रिस्पेक्टिव, ठीक है, मतलब जो उसका कोड होगा उसका मतलब रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड, सॉरी टी आर एन ए आके बाइंड करेगा और उस टी आर एन ए के साथ अमाइनो एसिड होगा, फिर उन अमाइनो एसिड के आपस में लिंकेज बन जाएगा, ठीक, और फिर एडिशन के बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी फोर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड के दरमियान जो सा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम फिर उस जगह से मूव करेगा, ठीक है, और जिस तरह एस्केलेटर होता है या कह लें कि जो ट्रांसलोकेटर होता है, मतलब अगर आप एयरपोर्ट्स या शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो कुछ लैडर्स होते हैं ना जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ सिंपल एस्केलेटर होता है जो कि मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होते हैं, खैर ट्रांसलोकेट करता रहा है उसमें, मतलब अगर ये टी आर एन एम आर एन ए था जिसके अपोजिट ये कोड था, सो अब जो राइबोसोम है वो ए यू जी था शुरू में और जो सी यू जी था यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए सी सी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए सी सी। सो अब जो राइबोसोम पहले ए यू जी पे था वो ट्रांसलोकेट करके आगे आ जाएगा, ठीक है। सो मतलब अब मिथियोनिन और ल्यूसिन की बाइंडिंग हो गई है, नेक्स्ट टी आर एन ए आके यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, ये टी आर एन ए था, अब नेक्स्ट टी आर एन ए आके इस ए साइड पे आके बाइंड करेगा, ठीक है, नीचे सेकंड इसका सब यूनिट है, ठीक है, मतलब ये एम आर एन ए है और ये प्रोटीन का लार्जर सब, सॉरी प्रोटीन का राइबोसोम का लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर। सो ए साइड पे मजीद आकर जो ट्रांसफर आ रहे हैं वो बाइंड होगा, फिर इनका आपस में लिंकेज बनेगा पेप्टाइड लिंकेज। सो अब ये ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब जितना बड़ा मैसेंजर आ रहे होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन से हम कहेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता जो राइबोसोम है वो मूव करता रहेगा और फिर ट्रांसलोकेशन के साथ साथ एंड एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि ट्रांसलोकेशन होगा सो सारा प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है, और मतलब दोबारा आके कोई ए साइड पे ट्रांसफर आने बाइंड करेगा उसके रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड, इस तरह अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी, सही है, और ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, सही, मतलब ट्रांसलोकेशन के बाद मतलब ग्रोइंग स्टार्ट हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की, और मतलब इसे आप प्रोपिगेशन भी कह सकते हो, सॉरी ट्रांसलोकेशन को आप प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं, यानी प्रोपेगेटरी स्टेप है और ये टिल एंड तक चलता रहता है जब तक के कोई स्टॉप कोडान नहीं आ जाता, ठीक है, लास्ट में जो सा होगा वो कह लें कि टर्मिनेशन होगी, टर्मिनेशन के लिए ना पूरा कह लें कि टर्मिनेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, या उससे आप कह सकते हैं मतलब वहाँ पे आके रिलीज फैक्टर आके मतलब बाइंड होता है, सही, टर्मिनेशन में होता है कि फॉर एग्जांपल ये माइनोसिड है, सॉरी माइनोसिड का क्या मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए,
सही। और राइबोसोम कम्प्लीटली यहाँ पे पहुँच चुका है और इसकी प्रोटीन सेंसेस कम्प्लीट हो गई है, फॉर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, ठीक है। और ये उसकी ई साइट, ये उसकी पी साइट और ये इसका ए साइट, ठीक है। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर आरएनए को मौजूद है जिसके रिस्पेक्टिव ये लास्ट माइनस है, सो लास्ट में एक रिलीज फैक्टर आके ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जांपल इस किस्म का एक रिलीज फैक्टर है जिसका आपस में कोड है जो कि बेसिकली स्टॉप कोडान से ही मैच करता है, ठीक है। स्टॉप कोडान हम पीछे पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल यूएए है मतलब स्टॉप कोडान, तो यूएए के अपोजिट क्या होगा भला, यू के अगेंस्ट ए आ जाएगा और ए यू यू होगा इसके अंदर, ठीक है। सो ये एक क्या है भला, इसे हम रिलीज फैक्टर कहेंगे, यानी विच हैव अपोजिट कोडिंग कह लेंगे या एंटी कोड या एंटी कोडान ऑफ स्टॉप कोडान, ठीक है, रिलीज फैक्टर कहलाएगा वो। सही, रिलीज फैक्टर जो है मतलब ये कह लेंगे फैक्टर है जिसके प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, ये भी ऐसी प्रोटीन जिसके अपोजिट जो है वो ए यू यू कोड हो। सो रिलीज फैक्टर आके इधर बाइंड कर जाएगा, उसके बाद प्रोटीन सेंसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी, ये आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन आ गया, ठीक है। बाज़कत क्या होता है कि मतलब एक कि हमें ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चाहिए, ज़्यादा चाहिए होते हैं, सही, तो नंबर ऑफ राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। एक और राइबोसोम यहाँ पे भी अटैच है, इस तरह एक और राइबोसोम यहाँ पे भी अटैच है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं पॉलीसोम, इट इज़ नोन एज पॉलीसोम, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को आप पॉलीसोम कहते हैं, यानी जब सिंगल मैसेंजर आरएनए गेट अटैच्ड विद मैनी राइबोसोम्स, ठीक है, एक से ज़्यादा राइबोसोम्स के साथ जाके अटैच होती है, क्योंकि उस टाइम प्रोटीन सेंसेस ज़्यादा चाहिए होती हैं। सो ये भी प्रोटीन मालिक्यूल बना रहा होता है, ये भी प्रोटीन मालिक्यूल बना रहा होता है, सही। वही सारा सेम प्रोसेस होता है जो कि मतलब पहले वाला फॉलो कर रहा है वही दूसरे वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यह कि एक से ज़्यादा हमें एक ही मैसेंजर आरएनए से हमें एक से ज़्यादा प्रोटीन्स मिल रही हैं, और बकाया सब का वो स्टेप है, मतलब शुरू में इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनेगा मिथियोनिन से, इसकी कह लेंगे स्टार्टिंग कोडान से उसकी ट्रांसलोकेशन सॉरी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। और फिर प्रोपेगेशन होगी, ठीक है, जिसमें एलोंगेशन फैक्टर बेसिकली हेल्प कर रहा होता है, मनी एलोंगेशन फैक्टर बेसिकली कर रहा क्या होता है, ट्रांसलोकेशन के दौरान जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है मनुष्य के दरमियान वो एलोंगेशन फैक्टर बना रहा होता है, सही। और लास्ट में एक कह लेंगे रिलीज फैक्टर आएगा और वहाँ पे ट्रांसलेशन जो से वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो राइबोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएगा, मतलब लार्जर सब यूनिट अलहदा हो जाएगा और स्मॉलर सब यूनिट अलहदा हो जाएगा, सही, दे गेट सेपरेटेड, और रिलीज फैक्टर भी अलहदा हो जाएगा, सही है, और टी आर एन ए भी ज़ाहिर बात अलहदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ अमाइनो एसिड नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ दोबारा अगर अमाइनो एसिड लगाना हो तो क्या करेंगे हम इसे, ठीक है, अगर हमने इसके साथ दोबारा अमाइनो एसिड लगाना है टी आर एन ए के साथ तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, ये दोबारा जाएगा एक्टिवेटिंग एंजाइम के पास, एक्टिवेटिंग एंजाइम जो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो बेसिकली अमाइनो एसिड को ऐड करेगा, ठीक है। एक्टिवेटिंग एंजाइम इसके अंदर दोबारा एक अमाइनो एसिड लगा देगा इस तरह। खैर ये सारा स्टेप्स थे प्रोटीन सेंसेस के, ठीक है, जिसे हम थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं, मतलब हमने जो ऊपर पढ़ा है, मतलब स्टेप नंबर वन से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होगी राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ जाके अटैच होती है। फिर उसका इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनेगा जिसके अंदर टीआरएनए होगा और साथ एन फॉर्माइल मिथियोनिन के साथ, मतलब टीआरएनए के ऊपर जो सी मिथियोनिन होगी वो एन फॉर्माइल मिथियोनिन होगी, ठीक है। और फिर इनिशिएशन फैक्टर होगा जो कि बाइंड करवाएगा इससे पी साइट और राइबोसोम्स में, ठीक है, इनिशिएशन कम्प्लेक्स पूरा बनेगा। फिर उसके बाद उसमें एडिशनल अमाइनो एसिड होता रहेगा बाय द बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए एट ए साइट, ठीक है, कि ए साइट पे नया मतलब ये ए साइट के ऊपर ना नया ट्रांसफर आरएनए आके बाइंड करेगा, ठीक है, जिसके पास उसका एंटी कोडान होगा। और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना रहा होगा भला, इलोंगेशन फैक्टर, सही। और इलोंगेशन के बाद ट्रांसलोकेशन होगी राइबोसोम, राइबोसोम फिर मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह स्केलेटर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जाएगा आगे, और साथ साथ वो अमाइनो एसिड को ऐड करता जाएगा, तो इस तरह हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, सही। और इसकी आप ये डायग्राम देख भी सकते हैं। सो ये आरएनए है जिसको ये राइबोसोम जोन से हैं वो रीड कर रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए आता है जिसके पास एंटी कोडान होता है, कोडान के अपोजिट उसके अगेंस्ट अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड को ऐड करता जाता है, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बनेगा, कौन बनाएगा, एलोंगेशन फैक्टर बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं। लास्ट में फिर टर्मिनेशन आता है या रिलीज फैक्टर आता है जिसके जरिए
टर्मिनेशन रिलीज़ होती है। सही। सो ये सारा प्रोसेस था ट्रांसलेशन का। लास्ट में, मतलब इसका इस चैप्टर के लास्ट में हम म्यूटेशंस को स्टडी करेंगे।